दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जंगल और आज हमारे पास है 801 हैंड ग्राइंडर मशीन, जिसकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैं आपको एक बार यहां पे बता देता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर सभी ग्राइंडर के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें इस टाइप का हेड के अंदर यहाँ पर व्हील खोलने के लिए यहाँ पर गेयर लॉक होता है, जो कि यहाँ पर, और जो गेयर लॉक की नॉब निकल जाती है उसके बाद में दोस्तों जो गेयर का लॉक है सिर्फ वो बिल्कुल इसमें फ्री हो जाता है। और कस्टमर है कोई भी है, चाहे जो भी इसको यूज़ करता है, उसको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल ज़्यादा फ्री हो चुका है और बिल्कुल ज़्यादा साइड में भी प्ले काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी नॉब निकलने के बाद में जो गेयर का लॉक है ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। जैसे ही गेयर इसको उल्टा करके यूज करते हैं तो गेयर है जो बिल्कुल चलते वक्त इसमें नीचे की तरफ गेयर में फंस जाता है लॉक इसका, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाती है मशीन। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जो लॉक फ्री हो जाता है उसके बाद में मशीन को यूज ना करें, तुरंत लॉक को चेंज कराएं, क्योंकि लॉक है जो काफ़ी आसानी से आपका लगभग 50 रुपये में रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह से देखिए इसमें झटका लगने से इसका गेयर तो बच गया है, बाकी इसका बैरिंग यहाँ पर टूट गया है। और ये देखिए गेयर, ये लॉक ने जैसे ही इसमें झटका मारा है यहाँ पर फंसने के बाद में, इसके बाद में देख पा रहे हैं लॉक का ऊपर से एक इस कोना भी यहाँ पे झड़ गया है। और ये देख पा रहे हैं, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप ने इसने क्या दिक्कत दिखाई है। और दोस्तों इसको हम कंप्लीट फिक्स करने वाले हैं और इसके बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों ये जो चलते हुए गेयर में यहाँ पर इस टाइप से अटक गया है, जैसे कि मशीन को नीचे रखा है, एवी वाशर नीचे की तरफ है, इस टाइप से ये फंस गया है बगैर दबाए और ये इसने झटका मार दिया, जिससे जो हेड है अंदर से यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसका होल है यहाँ से पूरा झटका इसने मारा है। और ये देखिए शुक्र है इसका ये टुकड़ा जाकर गेयर के अंदर बीच में नहीं फंसा, नहीं तो ये जो गेयर है इसका गेयर भी ख़राब हो जाता है और मशीन के जो दोनों ही गेयर ख़राब हो जाते फंसने के बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। फिर भी अब भी इसका नुकसान कम नहीं है, क्योंकि अब भी इसमें लगभग 300 रुपये का नुकसान इसका हो चुका है, जिसके अंदर हमें और गेयर और इसका हेड है जो रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी नॉलेज इसमें मिलेगी आपको, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो मशीन के हेड को यहाँ पर हमने पूरा खोल कर अलग कर लेना है, उसके बाद में इसका जो हेड है रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये जो बैरिंग है इसका बैरिंग ठीक है, निडिल बैरिंग जो कि इसमें लगा हुआ है यहाँ पे HK 0810 जो इसका बैरिंग है, इसको यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो बैरिंग इसका ठीक है, ये हमें कभी भी किसी हेड में रिप्लेस करेंगे तो हमें यूज आ जाएगा, और कोई सामान इसमें यूज के लिए है नहीं, क्योंकि दोस्तों अंदर से इसको वेल्ड वगैरह हम कर नहीं सकते। तो चलिए एवी वाशर भी इसके हम खोल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमें जो इसका बैरिंग है, जो गेयर है, इसको अलग करना होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए 62001 नंबर जो कि डेवल्ट वाला आता है उसका जो साइज़ है, बाकी हमारे पास जो अवेलेबल है हेड दोस्तों देख पा रहे हैं, हेड की सीट देखिए, हेड की सीट की मोटाई कितनी अच्छी है। जो ये हेड है लगभग आपको 220 रुपये की रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का हेड स्पेयर में मिल जाता है। तो दोस्तों सीट देखिए दोनों की, क्योंकि दोनों ही लोकल है, बाकी जो हैवी क्वालिटी का स्पेयर है हमेशा उसका ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए इसकी जो बैरिंग का जो बॉक्स है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए काफ़ी जो सीट है, दोनों ही सीट काफ़ी हैवी है, मोटाई काफ़ी अच्छी है। और साइज़ की बात करें तो इसमें डब्बी के अंदर 6201 नंबर का बैरिंग इसमें लगेगा, क्योंकि 6201 देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और जिसकी वजह से जो 6201 नंबर बैरिंग है उसकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बड़ा बैरिंग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं V3 क्वालिटी का SCH कंपनी का बैरिंग, जो कि आपको लगभग 120 रुपये के समथिंग मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे वापस से ये डब्बी के अंदर लगाकर और ये स्पेंडल को इस टाइप से यहाँ पे निकाल लिया है, ठोक कर काफ़ी आसानी से निकल गया है। इसके बाद में ये बैरिंग है जो ये इजीली बाहर आ गया है हमारा, और इसको देखिए दोस्तों आपको फेंकना नहीं है कभी भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये कॉटन का आपका एक रिंग होता है इसको पहले लगाना है, उसके बाद में बैरिंग को यहाँ पे डालकर फिक्स कर देना है, बैरिंग को पूरा ठोक लेना है। बैरिंग ठोकने के बाद में इसमें सबसे अच्छी बात है देखिए लॉक का भी यूज़ होगा, जिससे जो बैरिंग है हमेशा के लिए लूज नहीं होगा, डब्बी के अंदर में फिक्स रहेगा और निकलेगा भी नहीं।
तो इसके बाद में स्पैंडल को लगा देंगे हम, क्योंकि बैरिंग हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद में देखिए कटोरी सहित जो हमारा गेयर है, गेयर को यहाँ पे लगा देंगे स्पैंडल के अंदर, और इस टाइप का आपको बूश लेना है जो कि जो गेयर के ग्रुप है उस पर टच ना करे। इसके बाद में यहाँ पे ये हमारे पास 13 mm के ड्रिल चक का जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इसको सेट हो जाता है, स्पैंडल को भी ख़राब नहीं करता है, और बिल्कुल देखिए वो गेयर है जो काफ़ी आसानी से इसका यहाँ पे सेट हो चुका है, और प्ले भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। दोस्तों इस हेड के अंदर बुश है, इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं मेटल का बुश लगा हुआ है, तो बुश के अंदर ऑयल का यूज करना है आपको, क्योंकि बुश के अंदर ग्रीस यूज नहीं होता है यहाँ पे। तो ये देखिए हेड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, पूरा मशीन खोलने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं है यहाँ पे हमें, और चारों पेचों को यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों चारों पेचों को बिल्कुल आपको अक्रॉस क्रॉस वाइज यहाँ पे सेट करना है और पूरा टाइट कर लेना है अच्छे से, ताकि मशीन बिल्कुल आपकी स्मूथ चले, फ्री रहे, और मशीन का जो बैलेंस है बिल्कुल आपका ठीक रहेगा, कभी भी एक पेच को टाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे मशीन को हमने रन करके चेक किया है, और ये देखिए मशीन को हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मशीन का जो साउंड है काफ़ी अच्छा आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम अंदर इसमें है नहीं यहाँ पे। तो चलिए मशीन के अंदर ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग के लिए एटलेस का जेल ग्रीस यूज कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस जो कि पावर टूल में यूज होता है सभी कंपनियों में। तो यहाँ पे देखिए जेल ग्रीस कितना अच्छा क्वालिटी का ग्रीस होता है, यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम, थोड़ा सा ही, ज़्यादा इसके अंदर नहीं भरना, वरना जो ग्रीस है चलने के बाद में जो डब्बी से इधर उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो आपको लिमिटेड ही ग्रीस का यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो हेड ग्राइंडर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, चारों पेच इसके सेट करने के बाद में मशीन को हम चलाकर चेक करेंगे। ए वी वाशर है जो इसके, इनको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जो मशीन है हमारी कंप्लीट हो गई है, चलिए मशीन को चलाकर एक बार चेक करेंगे। ये मशीन स्टार्ट हो चुका है हमारा, और मशीन का जो साउंड है बिल्कुल मशीन नई की तरह जो साउंड है बिल्कुल काफ़ी स्मूथ आ रहा है, और मशीन के अंदर कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, देख पा रहे हैं आप, मशीन को हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, यदि वाइब्रेशन होता तो मशीन अपनी जगह पे नहीं रुकता, चलता हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो और सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने हेड रिप्लेस कर दिया है, बाकी जो निडिल बैरिंग है इसका, ये हमें वापस कभी भी यूज में आ जाएगा, जो इसका ये देख पा रहे हैं डब्बी, ये भी कई बार ख़राब होकर आ जाती है, तो ये भी हमारी इसमें हमें कभी आगे भविष्य में किसी दूसरे ग्राइंडर के अंदर भी यूज आ जाएगी, तो आपको जो इस पे ठीक है वो फेंकना नहीं है। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार, ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में, या फिर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।